उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। चुनाव को शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से कमर कस चुका है। बकायदा कई पर्यवेक्षक के अलावा डीएम व एसपी के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम के अलावा अन्य सामग्री को भी एक्टिव मोड पर रखा जाने लगा है। वहीं इसे लेकर ट्रेनिंग दिए जाने के लिए देश भर में चर्चा का केंद्र बनी सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के स्टेडियम को अधिकृत किया गया है। बकायदा ट्रेनिंग को लेकर स्थानीय स्तर पर तारीखें घोषित की गई हैं और चुनावी खाका भी तैयार कर लिया गया है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। ईवीएम दो मुख्य चीजें होती हैं जिनको इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी होती है, तो पोलिंग पर्सनल का भी रैंडमाइजेशन हमारा सेकंड भी हो गया है हमारे जो हमारे प्रेक्षक महोदय हैं उनकी उपस्थिति में, और 3 तारीख से हम लोग ट्रेनिंग जो सेकंड ट्रेनिंग है हमारी वो शुरू हो जाएगी। 8 तारीख तक हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ जो ईवीएम का रैंडमाइजेशन है वो हमारा आज प्रस्तावित था लेकिन थोड़े टेक्निकल एरर की वजह से उसको हम फिर कल वो कर लेंगे। तो और ईवीएम की कमिश्निंग का जो काम है वो हमारा जो डिस्पैच सेंटर है हमारी मंडी तो वहाँ पे भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पोल प्रिपरेशन की तैयारियाँ होती हैं वो सारी तैयारियाँ पूरी हैं और जो पुलिस की जो ड्यूटियाँ लगती हैं वो भी आज हमने प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो जनपद प्रशासन पूरी तरह तैयार है और बहुत ही अच्छा इलेक्शन हमारी पूरी टीम कराएगी। अच्छा डीएम साहब, ये जो बाहर से फोर्स आएगी उसके लिए क्या जौहर यूनिवर्सिटी को जो है अधिग्रहण किया है क्या क्या? देखिए कई स्थानों पे हम लोगों ने अधिग्रहण किया है क्योंकि बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर आएगी और जो हमारे सीएपीएफ की जो फोर्सेज हैं उनको रुकने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो जहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी स्टेडियम एक बताया गया था हमको तो उसको भी अधिग्रहण हमने किया है और इसके अलावा कई हमारे ऐसे विद्यालय महाविद्यालय हैं जहाँ पे फोर्स के रुकने के इंतजाम हमने किए हैं। तो चूंकि पूरे 6 फेज 7 फेज में इलेक्शन कराने के लिए उनको अलग अलग जनपदों में फोर्स को जाना होता है तो इसलिए उनकी उनके लिए अच्छा माहौल यहाँ पर हम लोग दे पाएँ तो उसके लिए पूरे प्रयासरत हैं और अच्छे से इलेक्शन करें। तो जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस लिया है क्या? नहीं, जो स्टेडियम का जो एरिया है उसमें कई रूम्स हैं जो आई थिंक जो एथलीट्स वहाँ पे रुकते हैं उनके लिए जो वहाँ पे हॉस्टल था तो उसको अधिग्रहित हमने किया है।